एंड टाइम फार्मूले में, सॉरी इसमें फाइनेंशियल फार्मूले में, मैंने आपके साथ एक एरे का एग्जांपल किया था जिसमें आपने देखा था कि एक ही सेल में बहुत सारे काम एक ही सेल एक एक करके होते रहे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एरे का बेसिकली पर्पस क्या है और क्या यूज है एरे के, आज हम यूज करने वाले हैं। जैसे कि एरे होता है क्या, एरे का अगर हम ये निकाले डेफिनेशन निकाले तो एरे का मतलब होता है सिक्वेंसली अरेंज करना, सिक्वेंसली अरेंज करना। जैसे कि आपने वी लुकअप में देखा था, जब मैं आपको वी लुकअप का एग्जांपल कराया था उसमें देखा था कि हमने वी इसमें एग्जाम फॉलो किए थे, जैसे कि ये देखिए हमने यहाँ पे फॉलो किए थे कि अगर हमें वी लुकअप हमने लगाया, वी लुकअप में हमने डेटा के अंदर गए और हमने इस पूरे के पूरे डेटा को ले लिया और कॉमा, अब यहाँ पे जो नंबर मुझे एक एक करके देना है तो हम एक एक करके ना देंगे, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट में पूरा इकट्ठे 2, 3, 4, 5, 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज किए, कॉमा अंदर किए और जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ तक सेलेक्ट किया, F2 प्रेस करके इसको एक्टिवेट किया एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो आपने देखा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो एरे के दो पार्ट होते हैं, एक एरे का पार्ट होता है कैलकुलेशंस, दूसरा एरे का पार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो ये जो था डिस्ट्रीब्यूशंस था। कुछ पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है क्या? नो सर। तो एरे को हम पूरे के पूरे हर एक एंगल से सीखेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एरे के लिए कि अगर मैं कल एक, मुझे अगर मान लीजिए कि इस तरह से 2, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 लिखने हैं तो इस तरह से एक एक करके लिखने के बजाय मैं यहीं पे कर्ली ब्रैकेट में लिख दूंगा 1, 2, 3, 4, 5 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करूंगा और जहां तक मुझे करने हैं वहां तक सेलेक्ट करूंगा, F2 प्रेस करूंगा और यहां पे F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, तो आप एक चीज देख रहे हो कि सब में सेम फॉर्मूला है लेकिन सबका रिजल्ट अलग अलग है। इसी को मुझे कॉलम वाइज करने हैं तो मैं कर्ली ब्रैकेट में रो वाइज, कॉलम वाइज किया, अगर रो वाइज करने हैं तो 1 सेमी कॉलन 2 सेमी कॉलन 3 4 5 और यहाँ पे इसको क्लोज करके, सॉरी इक्वल लगाना है भूल गया, और यहाँ पे इक्वल इसको, यहाँ पे इसको इक्वल सेलेक्ट किया, F2 प्रेस किया एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो आप देख लो यहां तक नीचे आ गया। तो कॉलम वाइज करने के लिए आप क्या करोगे? कॉमा, नहीं कॉमा लगाओगे और रो वाइज करने के लिए सेमी कॉलन। ठीक है, अब इसका यूज अगर मान लीजिए रो और कॉलम दोनों चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इक्वल कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 और मुझे यहां से रो चेंज करने हैं सेमी कॉलन, तो यहां पे सेमी कॉलन देंगे, देन 5, 6, 7, 8 देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे 4 कॉलम 2 रो सेलेक्ट करता हूँ, F2 प्रेस करके एक्टिवेट करता हूँ, तब जाके मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारूंगा ठीक है। देखा आपने, तो इसका बेनिफिट क्या है, सबसे पहले हम ये बात जानना चाहते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। तो अब हम बेनिफिट इसके बारे में देखते हैं।
चलिए बेनिफिट के लिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे वन और यहाँ पे सिटी लिख रखा है मैंने। वन टू थ्री फोर फाइव, तो अगर मैं यहाँ पे कोड लिखूँ तो यहाँ पे सिटी नेम डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो चलो वन है, तो यहाँ पे मैं वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर एंड फाइव फाइव कर देते हैं, इस तरह से कोड कर देते हैं। तो मैं वन वन लिखूँ तो यहाँ पे नेम आना चाहिए, इसके लिए मैं इफ लगा सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे वी लुकअप भी लगा, इफ लगाओगे तो चलो चार पाँच तो इफ लगा लोगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा हुआ तो इफ तो मुश्किल पड़ जाएगा। तो यहाँ पे वी लुकअप लगा सकते हैं क्या? तो यहाँ पे मैं वी लुकअप दूंगा, तो वी लुकअप हमने इसको सेलेक्ट किया और डेटा को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा टू कॉमा जीरो कर दी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हमने वी लुकअप तो लगाया, लेकिन बात यहाँ पे आती है कि अगर आप जब इफ के बारे में देखो तो इफ को हम ए डेटा, मुझे ए डेटा यहाँ पे रखना पड़ेगा ना, करने मतलब ये है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मैं डेटा कहीं और ना लिखूँ, मैं डेटा कहीं और नहीं रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ डेटा फॉर्मूले के अंदर हो, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए एक एरिया कैप्चर नहीं करना चाहता। तो वीलुकअप में पॉसिबल है कि आप डेटा अंदर रखें? मतलब क्या वो आपने बोला कि डेटा अंदर मैं रखना डेटा चाहिए, किसी सेल पे नहीं रखना चाहता, मैं फॉर्मूले के अंदर लिखना चाहता हूँ। समझे? अच्छा हाँ मैं डेटा फॉर्मूले के अंदर रखना चाहता हूँ, मतलब कि मैं इसके लिए बाहर का पेज अलाउ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पॉसिबल देखिए पॉसिबल है फॉर द एरे, क्योंकि डेटा जो है हम जो ऐसा लिखे हैं तो सिस्टम में जो है एरे फॉर्म में ये सेव होता है, जिसमें रो और कॉलन होता है, तो क्यों ना हम जो सिस्टम में होता है उसी फॉर्म में मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर डाल दूँ कर्ली ब्रैकेट में कि वन वन कॉमा पुणे अच्छा एक चीज ओके सेमी कॉलन टू टू कॉमा डाली। ठीक है, ऐसे ही पूरा रख दीजिए, एंटर मारिए। अब देखिए वन वन पुणे आ गया, टू टू पे दिल्ली आ जाएगा। क्या लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर यहाँ पे मैं पूरा लिखूँ तो फॉर्मूला काफी बड़ा हो जाएगा ना, फॉर्मूला काफी बड़ा हो जाएगा ना, यस तो मैं चाहता हूँ कि अपने हिसाब से अपने हिसाब से इसको अलग करना चाहता हूँ, समझे? अच्छा तो अपने हिसाब से अलग हम कैसे करें, मतलब क्या इस है, मतलब कि
हम इसको एक काम कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ ऐसे लिख रहे हैं ना इसके अंदर में, कि हमने आपको नेम डिफाइन करना सिखाया था, हम नेम में भी कर सकते हैं अच्छा क्या। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन फॉर्मूले में जाते हैं, डिफाइन नेम पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं डेटा नाम का बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इक्वल कर्ली ब्रैकेट में सेम फॉर्मेट जिसे हमने फॉर्मूले में रखा है उसमें लिख देते हैं पुणे। टू टू कॉमा दिल्ली, फिर कॉमा 33 नोएडा, ऐसे मैं पूरा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड ओके। इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई है, दिक्कत क्या हुई है कि यहाँ पे सेमी कॉलन, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगा, वी लुकअप वी लुकअप लगाऊंगा, और वी लुकअप में मैं इसको सेलेक्ट करूंगा कॉमा डेटा कॉमा 2,0, हो गया ओके। सर मगर हम डेटा में भी काम तो यही कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे करा था, एक स्टेप हमारा बढ़ गया। नहीं नहीं फिर प्रॉब्लम हुआ ना कि आपका फॉर्मूला छोटा हो गया ना। हाँ फार्मूला तो छोटा हो गया पर लेबर तो उतनी लगी। मैं आपको बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, अब एक एक चीज़ बनाऊँगा सर, चिंता मत करो। अब यहाँ पे जैसे कि आपने बोला कि लेवर तो उतना ही लग रहा है, सही बात है क्या, तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ये जो हमारा ये है, मतलब कि डेटा है हमारा, उस डेटा में मतलब कि आप हमें ज़्यादा मेहनत न करना पड़े, क्योंकि अगर डेटा बड़ा हुआ, ये तो चलो छोटा डेटा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो इतना डेटा तो मुश्किल हो जाएगा क्या। देखिए ऐसा कोई शॉर्टकट तो नहीं है, लेकिन हाँ हम कर सकते कुछ हद तक, हम इसकी ऑटोमेशन कर सकते हैं। कैसे, इसको हम कॉपी करेंगे, इसके लिए हमें खोलना पड़ेगा अपना वर्ड, वर्ड को खोलना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड में फैसिलिटी है। यहाँ पे मैं पेस्ट में, हम पेस्ट स्पेशल करेंगे और यहाँ पे कर देंगे अनफॉर्मेट यूनिकॉर्न टेक्स्ट, ताकि एक वर्ड का डेटा आ जाए। अभी वर्ड क्या है कि इसको जो है समझता है टैब, और इस ई और वन के बीच का जो है स्पेस इसको समझता है पैराग्राफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको यहाँ, मतलब कि जो हमारा रिप्लेस होता है ना, रिप्लेस में अगर आप जाओगे यहाँ मोड पे, तो मोड पे आपके पास नीचे स्पेशल आता है, स्पेशल में मैं करता हूँ यहाँ पे टैब करेक्टर, और टैब करेक्टर को मैं कॉमा से रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेस ऑल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए पैराग्राफ मार्क है, तो पैराग्राफ मार्क को मैं सेमी कॉलन से रिप्लेस कर देता हूँ, हो गया। उसके बाद मैं इसको इस पूरे को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं एक्सेल पे ले जाता हूँ। अभी भी इसमें दिक्कत है या हो चुका है कंप्लीट है? वो लास्ट समय इसमें, इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट है, और इन्वर्टेड कॉमा के लिए आप वर्ड पे नहीं एक्सेल पे आगे करोगे, ठीक है।
एक्सेल फॉर्मूला में आके करोगे, आप वर्ड पे नहीं करोगे। तो चलिए तो इसके लिए भी हम रिप्लेस कमांड यूज करेंगे कंट्रोल एच, और इसमें मैं बोलूंगा कि कॉमा जो है वो रिप्लेस हो जाए कॉमा और इन्वर्ट स्टार्टिंग इन्वर्टेड कॉमा से, ठीक है। और मैंने बोला कि सेमी कॉलन जो है रिप्लेस हो जाए क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा एंड सेमी कॉलन से, हो गया। अब यहाँ ऊपर में हमें क्या है कि लास्ट में जो एक सेमी कोलन है इसको हटाना पड़ेगा और दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। अब इसको उठा कर खाए तो मैं वी लुकअप में रख दूँ, या फिर डायरेक्टली डिफाइन नेम में जाऊँ और डेटा जो है हमारा है नेम मैनेजर में जो डेटा है इस डेटा में इसको रिप्लेस कर दूँ, एंड टिक मार्क करके चेक कर लो सब सही है। अब यहाँ पे हम आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपने इसको कर सकते हैं। सर तो जब भी वो डिफाइन नेम करे मतलब सिर्फ दो कॉलम के साथ हो सकता है राइट, अगर हाँ मल्टीपल कॉलम्स है तो उसके साथ मतलब दो से ज्यादा है। हाँ हाँ मल्टीपल कॉलम भी कर सकते हो आप, ध्यान ट्राई करके देखना। अब हम बात करते हैं एरे में कैलकुलेशंस की, ठीक है। आपने समझ लिया ना कि एरे किस तरह से परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं कैलकुलेशंस की, जैसे कि एक कुछ नंबर्स मैंने डाल रखा है। अब एरे इंपॉर्टेंट क्या है इस चीज़ की, इस पे यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रखे हैं। अब मुझे क्या करना है कि इसके हर नंबर का 30% मुझे निकालना है इंडिविजुअली। जो 30% निकल के इंडिविजुअली आएगा उसको मल्टीप्लाई बाई 0.32 करना है, फिर जो नंबर आएगा उसमें मुझे क्या है 100 जोड़ देना है, और फिर इक्वल सबका सम लेना है, टोटल लेना है। मतलब कि अगर मैं मैन्युअली करूं तो मुझे क्या क्या करने पड़ेंगे, पहले रखना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे इसको मल्टीप्लाई वाई 30% करना पड़ेगा ताकि सबका 30% निकल जाए। उसके बाद फिर मुझे इसमें इसको इसको मल्टीप्लाई वाई 0.32 करना होगा, फिर इसमें प्लस 100 करना होगा, फिर मुझे इसका यहाँ पे सम मिलेगा। या कोई और शॉर्ट का तरीका है आपके पास? तरुण शर्मा जी, क्या है आपके पास शॉर्ट का तरीका कोई? के सारे फंक्शन एक साथ कर सकते एक साल कैसे कर सकते हो सबका अलग हैं अलग? ब्रैकेट्स बना आपका के। नहीं, नहीं आपको 30% अलग अलग निकालना है। सर जैसे एक अगर हम ब्रैकेट खोल के एक बार 30% निकालते हैं उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके हम दूसरा आप फंक्शन नहीं, स्टार्ट कर नहीं, सकते हैं थर्टी उससे? परसेंट आपका जो निकालना है इंडिविजुअली हर किसी का निकालना है ना, एक बार में 30% एक ही का निकाल सकते हो ना आप, कि सबका एक साल कैसे निकाल सकते हो आप? नहीं आप ही बताओ ना, ये जो 30% निकालना है तो आप 12 का निकाल सकते हो ना, मुझे 12 का भी निकालना है, 36 का भी निकालना है, 52 का निकालना है, इसका भी निकालना है, और इन सब में इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है, और इन सब में इंडिविजुअली में सम करना है, और फिर लास्ट में सम निकालना है। समझे? तो यहाँ पे हम एरे यूज करेंगे, देखिए कैसे यूज करेंगे एरे। अब एरे इस काम को एक ही सेल में कर देगा,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे सम, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो सम से आ रहा है। फिर मैं इसको इकट्ठे सेलेक्ट करूंगा और मल्टीप्लाई बाय 30 करूंगा, 30%। फिर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में लेता हूँ, ब्रैकेट में लेता हूँ, इन सबों का मल्टीप्लाई बाय 0.32। फिर इसको यहाँ भी हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय, सर इसमें +100। अब जैसे कि आप देख रहे हो ये जो हो रहा है ये तो, अब तरुण जी बोलेंगे सर मैंने भी तो यही बताया था, जी सर। लेकिन हुआ क्या है कि हम मैंने यूज किया है एरे फॉर्मेट, ठीक है ना, एरे फॉर्मेट में इसको यूज किया है। अगर अभी रिजल्ट क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। रिजल्ट कब देगा, जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारूंगा, ठीक है। तो एक साथ जब लगेगा परफॉर्म कब करेगा, जब मैं इसको एरे फॉर्मेट में अप्लाई करूंगा, ठीक है सर। तो इस तरह की जो कैलकुलेशंस होती है, मल्टीपल कैलकुलेशंस, उसके लिए हम एरे यूज करते हैं। अब चलिए एरे और क्या क्या इसके लिए यूज कर सकते हैं हम बताते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये है आपका सेल्स है और यहाँ पे मेरा टारगेट है, ठीक है। मैं रैन बिटवीन यहाँ लगाता हूँ 0.90। इसको मैं यहां से मल्टीप्लाई बाय, तो ये टारगेट मान लीजिए, टारगेट भी कुछ इस तरह से 50 कर देता हूँ, टारगेट नहीं मैं यहां पे ये करता हूँ कमीशन करता हूँ, कमीशन परसेंटेज देता हूँ 20%। अभी तक तो जो आपने सीखा तो यूजुअल नहीं था, अब यूजुअल है, एक बेनिफिशियल यूज है, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबका 20% निकालना। अब किसी किसी में क्या है, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा, रेट मुझे यहाँ पे 20% नहीं करना है, मुझे यहाँ पे 2 करना है और इसको डिवाइड करना है, मुझे मुझे बस क्या करना है, डिवाइड करना है, मुझे यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर बीच बीच में कहीं आपका एरर है, ऐसा आपका डेटा में होता है कि डेटा आता है उसमें एरर होता है, अगर मैं इसको सम करता हूँ तो क्या इस रिजल्ट देगा, नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी थ्योरी है कि अगर किसी फॉर्मूले में अगर एरर इनपुट है तो वो इनपुट एरर ही देगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे इस तरह से दिक्कत हो रही है। तो कैसे करें, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइड में इफ एरर लगा देते हैं और फिर मैं इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं और फिर यहाँ पे इसको सम करते हैं, जनरली हम यही करते हैं, या फिर मुझे यहाँ भी करना है, लेकिन सिचुएशन डिमांड ऐसी होगी कि मुझे यहाँ पे 0 एक तो कॉलम ऐड नहीं करना है, अन्ना इसमें हम इफ एरर लगाना, ताकि मुझे एरर को मुझे रिप्लेस किसी और चीज़ से करना ही नहीं है, जैसा एरर दिख रहा है उसी तरह से एरर को शो करना है। ठीक है सर। तो यहां पे हम वहां ना लगा के जहां हम सम कर रहे हैं वहां दे सकते हैं कि इफ एरर, सॉरी सम इफ एरर, इसको सेलेक्ट कर लिया, comma 0 कर देते हैं और फिर इस पे F2 प्रेस करूंगा,
तो कंट्रोल सी एंटर ही हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि एरे काम तो कर रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगी कि एरे आखिर में मतलब कि कैसे वर्क कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए इस फॉर्मूले को एवलेट करते हैं ताकि मुझे पता चले कि फॉर्मूला किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। इफ एरर, देखिए इफ एरर ने क्या किया, पूरा का पूरा इस तरह से कन्वर्ट करके सम को दे दिया, सम ने इसको सम कर दिया। अगर इससे पहले वाले एग्जांपल पर चले तो देखिए क्या हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ 30 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इंडिविजुअली सबसे 30% से मल्टीप्लाई हुआ, जैसे कि मैंने ऊपर किया था। यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है पूरा, उसके बाद वापस मैं यहाँ पे एवलेट करता हूँ तो इस सबको मल्टीप्लाई बाय 32% हुआ, 32 से मल्टीप्लाई हुआ, जैसे नीचे देखिए यहाँ पे हो रहा है। फिर सबसे प्लस हुआ यहाँ पे 100, मैच कर रहा है, अदैन सब ने इसको सम कर दिया। तो जो प्रोसीजर हम बाहर फॉलो करते हैं वही प्रोसीजर क्या करता है, अंदर होता है। ठीक है, तो एरे इसी तरह से परफॉर्म करता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ 10 में 20 जोड़ने हैं, सॉरी यहाँ पे 5 1 3 है ना, मुझे सबको इंडिविजुअल अलग अलग करना है, मतलब कि मुझे 5 प्लस 4 प्लस 2 करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको इंडिविजुअली हटाना पड़ेगा। तो एस के लिए हम मिड लगा सकते हैं कि मिड अगर नॉर्मल करें तो मिड कॉमा 1 से चलो और 1 हटा दो। फिर इसको आगे अगर हम ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ इसमें से 2 से चलो 1 लो तो ये आ जाए 4, इसमें क्या हो जाएगा 3 से लो। ठीक है, अब फिर इसको सम करेंगे, सम होगा नहीं होगा, सम क्यों नहीं होगा, क्योंकि मिड जो है ए हमारा कौन सा फॉर्मूला है, मिड हमारा फॉर्मूला है वो है आपका टैक्स फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें इसको कन्वर्ट करने के खातिर मुझे वैल्यू लगाना पड़ेगा या इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगा तो पर भी काम चल जाएगा। आ रहा है सम? तो इसी चीज को, इसी मेथड पे, इसी चीज को हम एरे के अंदर डाल देंगे कि सम मिड, इसको सिलेक्ट किया कॉमा और मैंने यहां पे कर दिया 1, 2, 3, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया और कॉमा 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, आया समझ में? तो आप वो कंट्रोल शिफ्ट एंटर तभी करते हैं जब ये डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, राइट? नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर तब करते हैं जब हम कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं। मैन्युअली कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं। अच्छा, जैसे कि जिसको यहाँ मान लीजिए इसको ऑटोमेट करना है क्योंकि ये डिजिट तो फिक्स है, 3 ही डिजिट होगा, तो इसको या फिर मान लो ज़्यादा हुआ तो आपको मेनू लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे रो लिख देते हैं, रो 1 से लेके 3 तक। अब एंटर करके अब मुझे इस पर कंट्रोल सिर्फ एंटर यूज करना पड़ेगा क्योंकि एक
कैलकुलेट नहीं हुआ, एरर परफॉर्म नहीं किया। तो रो ने क्या किया, रो ने सेम ये क्या किया, एक 1 2 3 जैसे हमने मैनुअली लिखा था सेम उसी तरीके से ये आपका लिख के दे दिया, ठीक है। देखिए अगर फुल्ली ऑटोमेट करना है तो हमें क्या करना है कि हम इसके साथ कॉनकेटेनेट कर देते हैं इसकी लेन लगा के, किसकी लेन, टेक्स्ट की लेन, कर दिया। एंटर मारोगे तो एरर देगा, क्यों, क्योंकि ए रो के अंदर में चाहिए होता है रेफरेंस, लेकिन हमने कॉनकेटेनेट लगा के हमने क्या दिया, टेक्स्ट दे दिया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम कर देते हैं इन डायरेक्ट, ठीक है, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अभी क्या होगा कि फिक्स हो गया, ठीक है, 17 आ गया। ये कर क्या रहा है इस चीज को समझिए, देखा 4 आ गया, 4 के साथ कंबाइन हुआ इनडायरेक्ट, इसको कन्वर्ट कर दिया रेफरेंस में, रो ने 1 से लेकर 4 तक यहाँ पे नंबर दे दिए और मिड ने अलग कर दिए, फिर मल्टीप्लाई हो गया, फिर सम हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं, तो आपने देखा कि किस तरीके से हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एरे फॉर्मूला का मैंने आज बेसिक पार्ट आपके साथ डिस्कस किए है, कल हम आपको एरे फॉर्मूला के एडवांस पार्ट डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप लोग जो है तो हम कल इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कल इससे आगे बढ़ेंगे। आज की रिकॉर्डिंग में अपलोड करके आपको मेल कर देता हूँ, कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। आज की क्लास तो उतनी आपको हो सकता है कि अच्छी ना लगी हो, लेकिन कल की जो टॉपिक्स है उसमें आपको सर घुमाने वाले होंगे और अच्छे लगेंगे आपको, ठीक है सर, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके ओके बाय, थैंक यू सर।